आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस साल जन्माष्टमी पर बेहद दुर्लभ संयोग बना है। भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोकल 18 ने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से कुछ खास बातचीत की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनाने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 26 अगस्त की सुबह से ही शुरू हो चुकी है। खास बात ये है कि इस साल जन्माष्टमी उसी नक्षत्र और योग में मनाई जाएगी जो द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण के जन्म के समय बने थे। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए कृष्ण भक्त महीनों पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इसी दिन मथुरा में वसुदेव एवं देवकी के यहाँ कंस के कारावास में भगवान कृष्ण जी का अर्धरात्रि में अर्थात 12 बजे जन्म हुआ था। तो तभी से यह परंपरा है कि उनके जन्मोत्सव को एक बहुत बड़े पर्व के रूप में पूरा भारतवर्ष देश और सनातन धर्म धर्मावलंबी मनाते हैं और बहुत अच्छा सभी मंदिरों में आयोजन होता है। 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी तिथि सुबह 8:21 से शुरू हो चुकी है जो अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का आगमन हो जाएगा। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी योग और जयंत योग में मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोनों ही योग दुर्लभ और श्रेष्ठ है। बार सन 2024 को जो अष्टमी तिथि है 26 तारीख को 8:21 से प्रारंभ हो रही है जो कि अगले 6:34 तक रहेगी। अब की बार जो जन्माष्टमी है उसमें बहुत ही अच्छे दुर्लभ संयोग आ रहे हैं जो सभी के लिए बहुत ही पुण्यदायक हैं और हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो उनसे मुक्ति मिलती है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भी ऐसा ही दुर्लभ और श्रेष्ठ योग बना था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही शुभ और फलदायक रहने वाला है। लोकल 18 के लिए हरिद्वार से ओम प्रयास की रिपोर्ट।